एक चम्मच सब्जा सीज ली है, इसे मैंने 10 मिनट पहले भिगो कर रखा था आधे गिलास पानी में। अब देख सकती है काफी अच्छे से फूल चुका है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। शिकंजी का शरबत बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच चीनी ली है। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच मैंने यहाँ चाट मसाला पाउडर लिया है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। आधा चम्मच मैंने यहाँ काला नमक लिया है। एक लेमन जूस ले लेंगे। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं शिकंजी का शरबत। यहाँ मैंने एक तपेली ले ली है। अब मैं इसमें दो दो बड़े गिलास ठंडा चिल्ड पानी ऐड करूंगी। शिकंजी का जो शरबत है वो ठंडे पानी में ही बहुत अच्छा लगता है। जब वो ठंडा ठंडा होता है तो पीने में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं इसमें ऐड करूंगी चीनी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी को बिल्कुल हमें अच्छे से मेल्ट कर लेना है। आप किसी भी चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस गर्मी के मौसम में हमारा कुछ ठंडा पीने का बहुत मन करता है, तो इस शिकंजी के शरबत को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको ये शिकंजी का शरबत कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चीनी को बिल्कुल अच्छे से हमें मेल्ट कर लेना है। चीनी हमारी बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें नींबू का रस ऐड करूँगी, साथ ही में काला नमक इसे भी ऐड कर देंगे और इसमें चाट मसाला भी ऐड करेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनके तैयार है हमारा शिकंजी का शरबत। अब हम इसे ठंडा ठंडा सर्व कर लेंगे। ग्लास ले लिया है। अब मैं इसमें आइस क्यूब ऐड करूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी सब्जा सीड। आप अपने हिसाब से आपको जितनी लगे उतनी सब्जा सीड ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी शरबत। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसे एक अच्छा सा लुक देने के लिए एक नींबू का स्लाइस लगा देंगे। हम इसके ऊपर पुदीने का पत्ता एक ऐड करेंगे ताकि दिखने में ये काफी क्लासी लगे। बन के तैयार है हमारा शिकंजी का शरबत। बहुत सिंपल और इजी शरबत है। इस शरबत को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा इस गर्मी के मौसम में। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की नई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।